दोस्तों, इस देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, किसान की समस्या, इन सब पर कोई बात नहीं करता। बातें तो करता है हिंदू मुस्लिम पर, गोदी मीडिया भी यही करता है, सियासी दल भी यही करते हैं, और तो और कई बार कुछ निजी दल भी यही करते हैं ताकि उनको फ़ायदा मिल जाए सांप्रदायिक भेदभाव के मुद्दे को कैश करने का। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब ट्विटर ट्रेंड में एक टाटा का विज्ञापन आया था तनिष्क का, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और ट्विटर ट्रेंड के डर से टाटा ने ये ऐड वापस भी ले लिया था। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कुछ वक्त पहले जोमैटो ने जब एक मुस्लिम बॉय से डिलीवरी को लेकर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो जोमैटो ने ये कहा था खाने का कोई धर्म नहीं होता, और इस बात को लेकर जोमैटो की बहुत वाहवाही हुई थी। जोमैटो को उस स्टेप से किसी ने सबक नहीं लिया और टाटा ने तो खासकर बिल्कुल नहीं। टाटा ने सिर्फ ये सबक लिया कि फेस्टिव सीजन है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ रिस्क नहीं लेंगे और कमाई का ही ध्यान रखेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि सोसाइटी और समाज इससे गलत मैसेज लेता है। उनको लगता है कि आप गलत थे, आपका विज्ञापन गलत था और पब्लिक जो विरोध कर रही है लव जिहाद के नाम पर वो सही थी। तो ये मुद्दा किसी तरह से शांत हुआ, लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो रेडिकल्स लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे आते रहें और इन मुद्दों को आग लगा कर वो हिंदू मुस्लिम का गेम खेलते रहें। तो फिलहाल इसी कड़ी में एक नया ऐड आया है, इस बार जोमैटो का ऐड है। और जोमैटो ने जो ऐड दिया है, ऐड तो बहुत स्वीट सा है, उस ऐड में कोई बुराई नहीं है, दो फ्लैटमेट्स हैं और लेकिन लोगों को लगेगा कि फ्लैटमेट्स नहीं है, वो हिंदू और मुस्लिम हैं, और लोग उनको इस तरह देखेंगे कि दो हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति खाने को डिलीवर करने या जोमैटो का जो खाना आ रहा है उसको एक दूसरे को देख के इम्प्रेस करने में अफेयर में जिस तरह से जा रहे हैं, वो लव जिहाद का एक सिम्टम है। और कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिनों बाद लव जिहाद 2.0 इस पर स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस तरह के वीडियो जो व्हाट्सअप पे, सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं लव जिहाद 2.2 बोल के, लव जिहाद नंबर 2 बोल के, पार्ट 2 बोल के, इन सब से आपको ज़्यादा असर नहीं लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके लिए भड़काने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप भड़क गए तो उनका मिशन सक्सेसफुल होता है। तो लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, रिलेशन रिलेशन होता है, और धर्म के बाहर, धर्म के अंदर कुछ नहीं होता है, ये दो लोगों की पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस का मामला है। तो लव जिहाद जैसे मुद्दे को थोड़ा सा किनारे फेंकिए, त्यौहार का टाइम है, पॉजिटिविटी पर जाइए, फेस्टिव सीजन को एंजॉय कीजिए, और अगर कोई कहे कि जोमैटो का विज्ञापन लव जिहाद का पार्ट 2 है तो उसको बोलिए सेट अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।